हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शाहिद टेक एंड एडिट्स। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो जो है फेसबुक फॉलोअर्स के बारे में। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना चुका हूँ फेसबुक फॉलोअर्स के बारे में। तो गाइस, उसमें हुआ था कि एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया और थोड़ा वॉइस में भी प्रॉब्लम था, इसीलिए काफ़ी लोगों को उसको वो समझ में नहीं आया। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ का शो ही नहीं कर रहा है। तो गाइज, ये फेसबुक जब अपडेट हुआ तो अपडेट होने के बाद वो थोड़ा चेंज भी हो चुका था, और वो वीडियो मेरा करीबन 8 महीने पहले बनाया था। तो इसीलिए अब बहुत फेसबुक में बहुत कुछ सेटिंग चेंज हो चुका है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और आशा करता हूँ कि इस बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और उसको शेयर भी कर देना अगर पसंद आए तो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो गाइस, अपने फेसबुक फॉलोअर्स को शो करने के लिए पहले आप अपने फेसबुक ब्राउज़र को ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोग अपने प्रोफाइल पे चले जाना, ठीक है। तो ये मेरा एक दोस्त का प्रोफाइल है, मैं उसको यूज़ करूँगा, तो ठीक है। पहले आप प्रोफाइल देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एडिट डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। एडिट डिटेल्स में तो कुछ शो नहीं कर रहा है, हाई स्कूल वाई स्कूल ये सब है, एक्स्ट्रा कुछ शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, टॉप राइट में देखिए, ये देखिए आपको 3 लाइन मिलेगी नोटिफिकेशन के पास वाले में, उसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसमें क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में दिख रहा है लॉगआउट, लॉगआउट के ठीक ऊपर है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, वहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में यहाँ पे आप पहला मिलेगा आपको सेटिंग्स, उसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना, आके देखना प्राइवेसी, प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइवेसी सेटिंग टाइमलाइन एंड टैगिंग, और थर्ड नंबर पे आप लोगों को मिलेगा पब्लिक पोस्ट। अब इसमें बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आप लोगों का देखना कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड या फ्रेंड में रहेगा, तो उसको इन सबको पब्लिक कर लेना है। तो एक एक करके पब्लिक कर लेना, पब्लिक पब्लिक एंड लास्ट वाला पब्लिक, पब्लिक पब्लिक, हाँ यहाँ पे सबको पब्लिक कर लेना है। पर यहाँ पे होता क्या है, कुछ लोगों का पब्लिक नहीं होता, तो नहीं होता इसके कारण होता है कि आपको क्या करना है, आपको आपका फेसबुक का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करना है। मतलब फेसबुक के एल्गोरिदम के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ 18 प्लस होना चाहिए फेसबुक में आपका एज, तभी आपका सारे पोस्ट पब्लिक में होगा, वरना आपका पोस्ट पब्लिक में नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर लेना। मतलब अभी चल रहा है 2018, तो 2018 में आपका उम्र फेसबुक के अनुसार 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में या 2000 या 1999 या उससे पहले वाला डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर उसके बाद या 2001 2002 वाला होगा तो उसमें पब्लिक पोस्ट में पब्लिक नहीं आएगा, क्योंकि आपका फेसबुक में एज 18 से कम होगा। तो आपको पहले आपका फेसबुक का एज है जो है उसको 18 प्लस करना होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे सबको पब्लिक कर लेना। पब्लिक करने के बाद यहाँ से सीधा बैक हो जाना। बैक होने के बाद आप लोग सीधा अपने प्रोफाइल पे चले जाना। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कुछ अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो एडिट डिटेल्स में चले जाना। एडिट डिटेल्स में जाने के बाद ये देखिए फॉलोड बाय 20 पीपल्स, तो उसको ऑन कर लेना और यहाँ से उसको सेव कर लेना। ये देखिए आ चुका है हमारा फॉलोड बाय 20 पीपल। पर गाइज यहाँ पे क्या होता है पता है, कुछ लोगों का यहाँ पे फिर भी नहीं आता। तो नहीं आता मतलब क्या होता है कि आपका पुराना जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो सब पुराना था, इसीलिए कोई फॉलो नहीं शो कर रहा था। तो आप लोग कुछ चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा वेट करना। अगर एक दो लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो उनको एक्सेप्ट मत करना, आपका फॉलो आ जाएगा, फॉलोअर में वो लोग आ जाएंगे। तो क्या करना है, एक दो दिन वेट कर लेना, और उनके उसके बाद अगर देखा कि आप लोगों को किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो उसके बाद आप लोग एडिट डिटेल्स में चले जाना है, वहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा, और यहाँ से उसको इनेबल करके सेव कर लेना। तो गाइज
अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे अपने प्रोफाइल पे फॉलोअर्स को शो कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।